हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को केयरफुल्ली देख रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री इजी भी लग रहा होगा और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेकर आया हूँ और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केन ऑक्सीडेशन, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा एल्कीन का ऑपरेशन। तो व्हाट डू मीन बाई एल्कीन ऑपरेशन? कि हम एल्कीन का अब क्या करेंगे, पार्शियल ऑपरेशन करेंगे। समझ रहे हो? पार्शियल का मेरा सेंस यहाँ पे क्या है कि पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, राइट? तो सिर्फ पाई को ब्रेक करना है, जो कि एक वीकर बॉन्ड है, इसलिए वही पहले ब्रेक होगा और उस पाई की जगह दो सिग्मा फॉर्म होंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आप ही सोचो, अगर वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। नाउ ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन क्यों बोल रहे हो सर? तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दैट मीन्स कार्बन पे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आएंगे, इसलिए हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, राइट? नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको बोलेंगे, क्योंकि जब भी रिएक्शन में जो सबसे पहले अटैक करता है उसके बेस पे नाम आता है रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एडिशन क्यों बोलो? ध्यान से देखो, आपके पास जो एल्कीन होगा उसमें ये सिग्मा हो गया, राइट? ये सिग्मा हो गया, तो ये वाला पाई, इसको ब्रेक कर देना आपको। तो ये पाई ब्रेक होते ही ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और ये वाले कार्बन की। तो आपको पूरे रिएजेंट में पहचानना है कि प्लस कौन है और माइनस कौन है, राइट? प्लस और माइनस कौन है, क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मान लो इस कार्बन पे आपने इधर किया, तो इस पे अगर माइनस आया तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सिंपल समझो एकदम, राइट? डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक कार्बन पे माइनस, एक कार्बन पे प्लस, तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस वाला इसके पास आएगा और माइनस वाला इसके पास आएगा, या वाइस वर्सा अगर उल्टा ब्रेक किया तो। तो एक बात तो क्लियर है कि प्लस के पास माइनस जाएगा और माइनस के पास प्लस, सेम चार्ज वाले एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, रिपेल होंगे, राइट? तो यहाँ पे आपको रिएजेंट जो भी गिवन होगा उसमें प्लस और माइनस पहचान लेना है और उस प्लस माइनस को डबल बॉन्ड हटा कर करके एक एक कार्बन पे लगा देना है, राइट? जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्कीम में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा चीज ऐड हो रहा है, कोई भी चीज बाहर नहीं जा रहा, चिपक रहा है, इसलिए बोलेंगे एडिशन, ऐड हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ ये जो प्रोसेस होगा एडिशन का, प्लस माइनस का, वो डेफिनेटली फिर दो तरीके से हो सकता है, और ये माइंड आपका पहले सोच लिया होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होगा तो दो तरीके से हो सकता है। एक होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, तो ये तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज होगा। रफ़ी सर का लैंग्वेज क्या है कि भाई नॉन क्लासिकल का मतलब है कि आपका डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहीं पे आप ऐड कर रहे हो, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं, राइट? तो इसलिए मैंने देखो हिंदी में लिखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि जहाँ पे पाई बॉन्ड है अगर वहीं पे ऐड हो रहा है, जैसे ये दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, इसी दो कार्बन पे अगर ऐड कर दिया आपने प्लस माइनस को, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होंगे। और इसके जो रिएजेंट है वो फिक्स हैं, टोटल 5 रिएजेंट हमने दिखाए हैं, बस इतना ही ध्यान में रखो, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्या क्या रिएजेंट है? BH3 13 ग्रुप वाला बोरॉन, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, राइट? इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। HgOAc2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन बोलते हैं। KMnO4, ध्यान रहे KMnO4 कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन में, तो इस केस में भी यही होगा। हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या HOX गिवन हो, राइट? और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट या सिर्फ हेलोजन गिवन हो। ये 5 ऐसे केस हैं जो फिक्स हैं और यही ध्यान में रखना है, ये 5 केस में आपको जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहीं पे प्लस माइनस को ऐड कर देना है। क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। दूसरा वो केस जहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात होगी, डैट मीन्स जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहाँ पे भी ऐड हो सकता है, अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है तो। अदरवाइज पहले शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन शिफ्ट होंगे फिर उसके बाद ऐड होगा। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, वहीं पे भी ऐड हो सकता है या फिर
घूमने के बाद, समझे, दैट मीन्स शिफ्ट होने के बाद ऐड होंगे, तो फिर वैसे मैकेनिज्म को बोलेंगे क्लासिकल। और उसके भी हमारे पास दो ही हैं, एक एच एक्स का एडिशन, एक्स यहाँ पे क्या, हेलोजन सी एल बी आर, राइट, और एच प्लस एच टू ओ का एडिशन। तो आई होप पहले ये मेरा फंडा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स का पॉइंट वेरी सिंपल है, जब भी एल्किन का पार्शियल ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन करेंगे तो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि ध्यान से देखो, जीन दो कार्बन, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है, बहुत सिंपल पॉइंट है। जीन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जीन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, क्योंकि उसमें एक सिग्मा होगा, तो सिग्मा को ब्रेक नहीं करना है, पाई को ब्रेक करना है, क्यों, क्योंकि पाई वीक होता है, तो कमजोर वाला पहले ब्रेक होगा, उसको ब्रेक कर देना है। उसको ब्रेक करने की वजह से उन दो कार्बन को रिएजेंट का जो एक प्लस और माइनस वाला पार्ट होगा वो देना, डैट मीन्स सिग्मा के साथ उसको लगा देना है, डैट मीन्स एक पाई ब्रेक होगा और दो सिग्मा बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिएजेंट कौन कौन होंगे जो ऐसा काम करेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन वाला, जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहीं दो कार्बन पे लगाना है, यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, ये ध्यान रहे। नाउ पहला जो इसका रिएजेंट है वो BH3 लिख के दे सकता है, डैट मीन्स बोरॉन 13 ग्रुप वाला, या फिर BH3O2 लिख के दे सकता है, या B2H6, इन तीनों में से कोई भी दे दे, एक ही बात है, इससे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया, इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिया होता तो क्या मिल जाता, ड्यूटेरियम डी हो जाता, BD3 लिया होता तो डी मिलता मेरे को, तो एक डी ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। दूसरा जो है उसी में कनेक्टेड रहेगा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH-, तो इससे क्या मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हो, OH। तो डैट मीन्स इस रिएजेंट से हमें क्लियर हो गया, एक H लेना और एक OH। H कौन देगा वो भी क्लियर है, डाइबोरेन देगा, और OH कौन देगा, परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, H और OH ऐड करना है। H कहाँ ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, H वहाँ ऐड करना है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। इस केस में आप हाइड्रोजन को, ये जो BH3 या B2H6 है, इससे जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको कहाँ ऐड करोगे, उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डैट मीन्स डबल बॉन्डेड वाले दो कार्बन है, तो उन दो कार्बन में देख लो कि किसके पास कम हाइड्रोजन है, उस पे उसको हेच देना है, डैट मीन्स उसको और हेच बढ़ा देना है एक तरीके से, समझ के बाद। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकम, और इस रिएजेंट या इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा HBO। ओके, इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है जब मरकरी इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन हो, HgOAC2 लिख के दे देगा, या Hg और इतना बड़ा दे देगा, ये देख करके बच्चे डर जाते हैं, वही बात है, इसको ओपन करके लिख दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा ये, तो इससे क्या मिलेगा, इन पूरे से आपको OH मिलने वाला है, क्या मिलेगा, OH, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ से क्या मिलेगा, H। और इसका उल्टा करना, इसका उल्टा करना मतलब H अब कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा H है, डबल बॉन्डेड वाले वो कार्बन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे H देना है, इसलिए ये मार्कोनिकम कहलाता है। और इसका नाम होगा, पहले मरकरी ऐड होता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और बाद में इस रिएजेंट के ऐड करने से उसको रिमूव करते हैं तो डीमर्क्यूरेशन, OMDM शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो ये दो रिएजेंट हो गए, और हैं तीन और रिएजेंट जो यही काम करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ऐड करना है, तो वो तीन रिएजेंट मैं आगे दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट थ्री जिस पे ये आपको कराना है, डैट मीन्स डबल बॉन्ड जहाँ पे वहीं पे ऐड होगा, वो ये है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन गिवन हो, KMnO4 273 केल्विन या लो टेम्परेचर कोल्ड एंड डायलूट KMnO4, ये सब कुछ भी लिखा हो, तो इससे आपको क्या लेना है, दोनों OH लेना है, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन पे OH लगाना है। इस रिएजेंट का नाम बियर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ जो रिएजेंट यूज कर सकता है वो X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डैट मीन्स कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो जब हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐसे करके दे सकता है, या ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो HOX फॉर्म करेंगे, तो इसमें OH- और X+ है, तो एडिंग पार्ट ये दोनों है, एक जगह पे हेलोजन जोड़ना और एक जगह पे OH, राइट, और ये प्लस है, ये ध्यान रहे, और ये माइनस है। और सिमिलरली फिफ्थ वही हेलोजन है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इन दैट केस दोनों केस में हेलोजन ही ऐड होंगे।
राइट, एक एक हेलोजन पे प्लस, एक हेलोजन पे माइनस, जैसे Cl2CCl4, Br2CCl4, तो आपको कैसे पता लगेगा, नॉन पोलर कोई भी सॉल्वेंट दे दे तो ये करना है। तो ध्यान से देखो, तो थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का जो एडिंग पार्ट है वो सेम है, यहाँ OH ऐड होंगे और यहाँ XX ऐड होगा, तो किसी भी कारण पर ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है, पहले वाले दो में OMDM में, HBO में, और ये फोर्थ वाले में, कि कौन से कारण पे ऐड करना है, इधर वाले या उधर वाले। तो इस केस में आपको X वहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जहाँ पे ज़्यादा H होगा वहाँ पे X ऐड करना है, डैट मीन्स, और हम बोले तो X को वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बो कैटायन बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बो कैटायन पे कौन जाएंगे, OH माइनस। तो ये ध्यान रखना, इसको लेस स्टेबल कार्बो कैटायन पे ऐड करना और इसको मोर स्टेबल पे। तो आपको क्लियर है राइट, आपको मैंने बता दिया HBO में क्या करना है, OMDM में क्या करना है, इन दोनों में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों से सेम पार्ट ऐड होने वाले हैं, और इसमें X प्लस को लेस स्टेबल पे और OH माइनस को मोर स्टेबल कार्बन पे ऐड करना है। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर वन, ये एल्कीन है, B2H6H2O2NOH, राइट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, आपको मालूम है इससे क्या मिलने वाला है, H, और इससे क्या मिलने वाला है, OH। इस H को कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पे एक ही, यहाँ पे दो है, तो ये H आपका कहाँ पे आने वाला है, इस कार्बन पे, और ये OH कहाँ जाने वाला है, इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, CH3, बाकी चीज़ें जैसे वैसा ही, CH2, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन था तो H आया, और इस कारण पे OH, जो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो ये ओपन हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से देखो अगेन, इससे आपको अगेन क्या मिलने वाला है, H, और इससे OH, बस यही पहचानना है राइट, और अगेन ये H कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो ये वाला H आपका यहाँ पे जाएगा राइट। तो आपका प्रोडक्ट पहले केस में क्या बनेगा, सी पे CH3, इस कार्बन पे H और CH2, पाई बॉन्ड हमने हटा दिया राइट, और इस पे H देना है और इस पे OH देना है, हो गया। बट इस केस में HgOH2 और NaBH4 में, तो आपको मालूम है इससे OH मिलेगा और इससे H, ये वाला H आप कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो इस केस में क्या होने वाला है, बाकी चीज़ें को आपको वैसे ही रखना है, ये देखो मैंने वैसे ही रख दिया, सिर्फ ये पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और यहाँ पे दो सिग्मा से ओपन किया, और इसका हेच किसको जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हेच था, तो इसके पास था तो यहाँ हेच और यहाँ क्या गया, ओएच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन HgOC2 है राइट, तो इससे आपको क्या मिलेगा, OH, और इससे क्या मिलने वाला है, हेच। तो ये हेच कहाँ ऐड करना है, उस कार्बन पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे पहले दिखा लो, यहाँ पे बाय द वे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन ने तीन बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन ने दो ही बॉन्ड बनाया तो दो हाइड्रोजन होगा, ये हेच कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन है तो मतलब यहाँ पे जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है राइट, ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका हेच आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, सिंपल। नाउ इस केस में अगेन BH3THF है, तो इनसे आपको क्या मिलेगा, हेच, और इनसे क्या मिलने वाला, OH। इसका हेच कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बाय द वे आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन ही नहीं है राइट, क्योंकि कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिया, तो यह हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे आएगा। तो बस बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है। तो ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन पहले से था, उस पे OH आ जाएंगे और इस कार्बन पे आपका H आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें एक तरह से ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये वाले का कंसेप्ट मैं आपको दे रखा हूँ एल्कीन एडिशन में, उस वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ध्यान से देख सकते हो, ट्रांस है, और ट्रांस को हमने बोला था कि माइनस मानो, ये जो एडिशन होता है वो भी एंटी होता है, तो ये माइनस 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 प्लस, प्लस मतलब सेम साइड, तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से ड्रा कर लेना, ये CH3, ये CH3, ये आपका CH3 यहाँ लग गया, ये CH3 आपका यहाँ लग चुका है राइट,
और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ट्रांस है माइनस में एडिशन एंटी है तो उसको भी माइनस लेते हैं। माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों बी आर एक साइड होना चाहिए, तो आप ऐसे ऐड कर दो। तो एक ये हो गया, एक इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो हो जाएगा राइट। बट दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए ये कौन सा कंपाउंड है, मीजो, मीजो आइसोमर है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो एक ही बताएंगे। सिक्स में यहाँ पे जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों मिथाइल एक साइड है, तो ये सिस है। सिस को मैंने बोला था प्लस, एज्यूम करो बी आर टू का एडिशन एंटी होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का क्या मतलब हुआ, दोनों मिथाइल को अप डाउन दिखाओ। और ये प्लस माइनस माइनस का मतलब आपको समझाया था कि बी आर अपोजिट साइड में, तो एक बी आर इधर होगा तो एक बी आर इधर राइट। तो ये मिलेंगे और ये खुद हो गया, और एक इसका मिरर इमेज होगा राइट। यहाँ से देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मिरर इमेज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो मिरर इमेज में जो मिरर के पास होंगे वो दिखेंगे राइट। तो ये तो ऊपर वाले और नीचे वाले मिथाइल सेम रहेंगे, हेच पास में आ जाएगा तो आपका बी आर इधर आ जाएगा, और इधर में बी आर आ जाएंगे तो इधर हेच। तो ये एक बन गया और एक ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों इनानशियोमर कहलाएंगे। तो इसलिए इस केस में मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो, बट इस केस में वन, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, क्यों? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये मीजो कंपाउंड कहलाते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट इंडिविजुअल की बात करें ये या फिर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बाय द वे इसके बारे में एडिशन कैसे करना है आपको पूरा एक ट्रिक दे रखा हूँ मैंने वीडियो लेक्चर में, एल्कीन एडिशन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एल्कीन है KNO4 H2O2, ध्यान से देखो टेम्परेचर, तो डैट मीन्स ये डायलूट कंडीशन में है क्योंकि वाटर है और लो टेम्परेचर है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और इससे क्या मिलेगा बता रखा आपको, OH। तो इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, दोनों कार्बन पे OH ही आना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस OH लेकर के आ जाना है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, कि अगेन ये एल्कीन है डायलूट KNO4 राइट। डायलूट मतलब वाटर होगा ही, तो आपको मालूम है कि इससे क्या क्या मिलने वाला है, OH और OH। चूँकि दोनों पार्ट सेम है इसलिए आपको इसमें सोचना ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक OH आ जाएगा और एक OH यहाँ पे आ जाएगा, वेरी सिंपल। इस केस में ध्यान से देखो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया है, या फिर इसी को कैसे दे सकता था, HOCl करके भी। तो आपको बताया था इसमें Cl पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कारण पर अटैक करे तो ये निगेटिव को इधर रख सकते हैं राइट, क्यों समझा रहा हूँ ध्यान से देखो, CH3 CH इस पे प्लस और CH2 इस पे माइनस। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, कार्बन आयन 1 डिग्री स्टेबल है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री स्टेबल है, इसलिए हमें ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले ये Cl इस पे अटैच होगा, तो फर्स्ट केस में आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH पे प्लस CH2 Cl, ये हो जाएंगे राइट, एक तरह से समझने के लिए। और फिर उसके बाद आपका OH माइनस इस पे अटैच हो जाएगा, तो आपका क्या बनने वाला है फिर, CH3 CH CH2 Cl और OH। इसीलिए मैंने बोला था आपको ट्रिक में कि Cl को वहाँ पे ऐड करना जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो और OH को वहाँ पे जहाँ पे लेस हाइड्रोजन हो। डैट मीन्स पहले आपको देखना है कि कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, सिंपल सा बात है, वो ध्यान रखना है राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़े स्ट्रक्चर देखकर के बच्चे डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है राइट, बेंजीन वाले को नहीं टच करना है। क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि ये घूम रहे हैं तो ये पकड़ नहीं पाएगा, घूम रहे मतलब समझे ना, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको मालूम है कि इससे क्या मिलने वाला है मुझे, OH, और इससे क्या मिलने वाला है, H कहाँ पे ऐड करना ये भी बता रखा हूँ। इस केस में H वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इस कारण पे अटैच होगा, तो बस उसका प्रोडक्ट बना दो। इसको क्यों नहीं किए सर, यहाँ तो वही डबल बॉन्ड था, इसको टच नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, घूम रहे होंगे राइट। तो CH2 उसका दिए CH CH2 लिख लो, आपको पता है कि हाइड्रोजन इसी पे आएगा, तो इस पे H लगाओ, इस पे OH, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा राइट। ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इस टाइप से दे दिया, एक बार HBO ऐसे और पे लिख सकता है राइट। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, डैट मीन्स आपको कौन सा रिएजेंट लेना, वही BH3 H2O2 H- और OMDM कहीं पे लिख दे तो ये वाला ही रिएजेंट हो जाएगा राइट। करना क्या आपको मालूम है, दोनों में एक दूसरे का उल्टा होना है। करना क्या है, इससे जो आपको H मिल रहा है वो कहाँ पे जाएगा,
वो वाले पे जिस पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन किस पे है, इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करना है, तो OH इसका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बाकी जो चीज़ें जैसे बनी है यहाँ पे OH लगा देना, क्योंकि H आ चुका है। और इसमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। उसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे OH आ जाएगा। तो बाय द वे यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये अभी भी 1 डिग्री है। तो आप ध्यान से देख सकते हो HBO में मेजरली 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, जबकि OMDM में 2 डिग्री भी मिल सकता है, 3 डिग्री डिपेंडिंग की क्या लगा हुआ है। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम हमने लिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें जितने भी प्रॉब्लम थे सब ऑलमोस्ट PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको कर लो। और आई होप कि अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। थैंक यू।